पनीर नगेट्स एकदम झटपट सी बनने वाली रेसिपी है। इसे आप ब्रेकफास्ट में या टी टाइम स्नैक्स में या पार्टी के स्टार्टर के तौर पर बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल एचडी फूड सीरीज में। तो चलिए फटाफट से ये रेसिपी शुरू करते हैं। पनीर नगेट्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 250 ग्राम पनीर, और ये पनीर को मैंने घर पर ही बनाया है और इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। पनीर को हमें चौकोर टुकड़ों में काट लेना है। आप अपने पसंद के अनुसार छोटे बड़े जैसे साइज में काटना चाहें ऐसे साइज में आप काट सकते हैं। पनीर नगेट्स बनाने के लिए हमें पहले पनीर के टुकड़ों को मैरिनेट करना होगा। इसके लिए पनीर के टुकड़ों को हम मिक्सिंग बोल में डालेंगे। इसमें हम कुछ मसाले मिलाएंगे। मैं यहाँ पर ले रही हूँ आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब हमें लेना है कटी हुई हरी धनिया। अभी मेरे पास हरा धनिया नहीं था तो मैंने सूखी हुई धनिया को इसमें डाला है। इसे थोड़ा सा हाथ से क्रश करके डाल देती हूँ। एक छोटा चम्मच डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। आधा नींबू का रस डाल देते हैं। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ एक बड़ा चम्मच ग्रीन चिली सॉस। आप इसकी जगह कोई मिक्सर भी डाल सकते हैं, या ऑर्गेनो डाल सकते हैं, या फिर टमाटो केचप भी डाल सकते हैं। आप जो भी पसंद करें उसे आप इसमें डाल सकते हैं। इन्हें हम मिक्स कर लेते हैं जिससे कि सभी मसाले पनीर पर अच्छे से कोट हो जाएं। इन्हें हम 10 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देते हैं और तब तक हम अपनी अगली तैयारी करते हैं। अब हम एक घोल तैयार करेंगे। इसके लिए एक दूसरा बोल ले लेते हैं। घोल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 बड़े चम्मच मैदा। जितना हम मैदा लेंगे उतना ही हम ले लेंगे कॉर्नफ्लोर, यानी कि 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर ले लिया है। आप इसकी जगह अरारोट भी ले सकते हैं। यदि आपके पास कॉर्नफ्लोर और अरारोट दोनों नहीं है तो भी आप इसे सिर्फ मैदा से भी बना सकते हैं, लेकिन अरारोट या फिर कॉर्नफ्लोर मिलाने से ये अधिक क्रिस्पी भी बनते हैं और खाने में भी अधिक मज़ेदार लगते हैं। मैं यहाँ पर आधा छोटा चम्मच नमक मिला रही हूँ। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक मिला सकते हैं। आधा छोटा चम्मच हम डालेंगे काली मिर्च पाउडर। 1/4 छोटा चम्मच डालेंगे बेकिंग पाउडर। मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी मिलाकर हम इसका एक घोल बनाएंगे। घोल हमें बहुत अधिक पतला या बहुत अधिक गाढ़ा नहीं रखना है, मीडियम थिकनेस का हम घोल बनाएंगे। देख सकते हैं इस तरह के रनिंग कंसिस्टेंसी का घोल बनाना है। अब हमने जो पनीर को मैरिनेट होने के लिए रखा था उसे इसमें डिप करेंगे। इस घोल में हमें पनीर के टुकड़ों को अच्छे से लपेट लेना है, यानी कि अच्छे से डिप कर लेना है। घोल में अच्छे से डिप करने के बाद इसे हम ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से कोट करेंगे। इसके चारों तरफ ब्रेड क्रम्स हम कोट करेंगे जिससे ये और भी अच्छे क्रिस्पी बनेंगे और अच्छे दिखेंगे भी। ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 ब्रेड की स्लाइस को ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है और ये ब्रेड क्रम्स हमारा तैयार हो गया है। ऐसे ही हमें सभी पनीर क्यूब्स को अच्छे से घोल में डिप करके और फिर ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेना है। सभी पनीर के टुकड़ों को हमने घोल में डिप करके और फिर ब्रेड क्रम्स में लपेट कर अच्छे से कोट करके और इस तरह प्लेट में रख लिया है। अब इन्हें हमें डीप फ्राई करना है। इसके लिए मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल को हमें मीडियम गर्म करना है, यानी कि ज़्यादा गर्म नहीं करना है, नहीं तो पनीर नगेट्स जल जाएंगे। और ऑयल यदि कम गर्म होगा तो ये पनीर नगेट्स उसमें जाके टूट जाएंगे, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि ऑयल को बराबर मीडियम आंच पे ही गर्म करेंगे। जितने एक बार में कढ़ाई में आ सकते हैं उतने पनीर के टुकड़ों को हम इसमें डाल देंगे। इसे पलट पलट कर हम चारों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये पनीर नगेट्स हो गए हैं एकदम अच्छे से गोल्डन ब्राउन, तो इन्हें हम बाहर प्लेट में निकाल लेते हैं और आप देख सकते हैं कि ये कितने क्रिस्पी दिख रहे हैं। तो देखा आपने पनीर नगेट्स बनाना कितना आसान है और कितनी झटपट से ये बन जाती है। तो आपका जब भी मन करे आप इसे बना सकते हैं।
आप इसे बच्चों के टिफ़िन के लिए बना सकते हैं या फिर चाय के साथ आप इसे खा सकते हैं, या घर में कोई मेहमान आ रहे हैं तो भी आप इसे बना सकते हैं। पनीर नगेट्स को आप चटनी के साथ या टमाटो केचप के साथ या हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। ये पनीर नगेट्स तैयार हैं खाने के लिए, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।